जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए सामने अभी आई है एसएससी की तरफ से। बहुत ही ज़रूरी सूचना है जिसका आप सभी से बेसब्री के लिए इंतजार कर रहे थे। एसएससी ने अभी तुरंत अपना जो है वो कैलेंडर जारी किया है और इस कैलेंडर में उन्होंने 2022 और 2023 में आने वाले एग्जाम्स की फॉर्म की एप्लीकेशन डेट और एग्जाम का डेट उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं। अभी राइट नाउ आपका एमटीएस का पेपर चल रहा है। एमटीएस का फॉर्म भरने का जो तारीख था वो 22 मार्च से 30 अप्रैल तक था और पेपर जुलाई में, यानी ये चीज़ अभी हो रही है। ये जो एग्ज़ाम है ये राइट नाउ अपने टाइम पर कंडक्ट हो रहा है। इसी तरीके से इन्होंने सेलेक्शन फेज़ 10 का भी पेपर दिया हुआ है कि 12 मई में एडवर्टीजमेंट आया, 13 जून को एडवर्टीजमेंट बंद हुआ और अगस्त में आपका पेपर हुआ। ठीक है, सबसे जो इंतज़ार का वक्त था आप लोगों के लिए वो था सीजीएल का पेपर। और आए दिन के डेली के यूट्यूब के क्लास में मैं आप लोगों को बताता था कि इसी साल सीजीएल का पेपर होगा। ये अपने मन में लेके मत चलना कि सीजीएल का पेपर अगले साल होने वाला है। रीज़न एसएससी डेट को और आपको पेपर को मैच करना चाहती है, यानी अगर 2022 का पेपर है तो एसएससी सोच रही है कि उसको किसी भी तरीके से 2022 में कंडक्ट कराया जा सके। तो जी हाँ, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, कंबाइन ग्रेजुएट लेवल 2022 सीजीएल 2022 यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए अच्छे से। सीजीएल 2022 का पेपर जो है उसका फॉर्म आएगा 10 सितंबर को और 1 अक्टूबर को उसका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा और पेपर जो होगा वो दिसंबर में होगा, यानी इसी साल आपके सीजीएल का पेपर होने वाला है। साथ में अगर हम बात करें सीएचएसएल 2022 की, तो सीएचएसएल 2022 का जो फॉर्म भरने का डेट आएगा 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट रहेगा और जो पेपर होगा वो फरवरी या मार्च के बीच में होगा 2023 में। ठीक है, तो कमर कस लीजिए जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है सीजीएल का आंसर किया आया, उसके बाद सीजीएल का रिजल्ट आया। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो तो मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं हुआ छोड़ना नहीं है मेरे भाई, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। समय ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जितना कम समय है मेहनत उतना ज़्यादा करेंगे और सिलेक्शन के लिए तत्पर मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद।